Jai Gurudev, and welcome to ALAP and Kaladepot's video session with Guru Paullumi Mukheerjee on Pandit Lacchu Maharaj's Daksha Yagna. We are in Nasik, the land of both Vishnu and Shiva, at the banks of the beautiful serene Godavari. And today being Ekadashi, and a very auspicious moment in the Shiva temples in Trimbakeshwar and Someshwar in Nasik. It's a beautiful place and the perfect moment to speak about this iconic work of Pandit Lacchu Maharaj-ji, the Daksha Yagna, which became one of his most prominent pieces that has been performed widely in Maharashtra and all over India by a number of different artists whom he imparted it to. So over to Paullumi ji, who is a Gandabandh disciple of his wife Ramadevi Lacchu Maharaj. Jai Gurudev. आज इस पावन अवसर पर एकादशी पर एक छोटा सा कुंभ नासिक में भी होता है और गोदावरी के तट पर बैठकर हमने सोचा कि महाराज जी जिनकी कर्मभूमि महाराज जी की कर्मभूमि बम्बई रही है और महाराष्ट्र रही है तो यहाँ पर आपके साथ जुड़ने का मौका मिले मुझे और अवसर मिले और मैं अपने गुरुजी के द्वारा जो उन्होंने महाराज जी के बारे में कहा और क्यों उन्होंने ये लिखी चीज़ इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगी आई बी बोथ टॉकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश सो बिफोर विदाउट मच फर्दर आई डू लेट मी गो टू समथिंग दैट आई हैव इन माय विद मी एंड यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है जैसे हमने बात की दक्षिण यज्ञ की शायद हवा यहाँ पर तेज चलने लगी एंड आई कैन फील द प्रेजेंस महाराज जी इन वन ऑफ हिज अनपब्लिश्ड इंटरव्यूज विच आई हैव विद मी उनके शब्दों में अगर कहें तो वो कहते हैं प्रश्न उन्हें पूछा गया है शशि सिन्हा जी ने पूछा है उनसे प्राचीन नृत्य पद्धति में आपने जो भी प्रयोग किए हैं वो क्या है इससे इसके जवाब में महाराज जी बोल रहे हैं मैं सदा से प्रयोगवादी रहा हूँ मेरा विचार है जो पूर्वज हमें पद्धति और नाच दे गए हैं उसे समय अनुसार सौंदर्य बढ़ाते रहना हर सजग कलाकार का काम होना चाहिए लकीर के फकीर होकर बैठने से कला में कमी आती है सौंदर्य घटता है तो मैंने पहला प्रयोग जो किया वो फिल्म क्षेत्र में किया उसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं तांडव और लास्य नृत्य की युगलबंदी पर अलग अलग रूप से स्पष्ट करने की चेष्टाओं में लगा हूँ मेरी तो ये इच्छा है कि जैसे मेरे पूर्वज ने इस शास्त्रीय नृत्य को नवाबों के लिए ढाला उसी प्रकार मैं कथक नृत्य का पूर्ण स्वरूप जनता के सामने रखूं ताकि आज़ाद देश के कलाकारों को कथक नृत्य का पूरा रूप मिल सके एंड दिस वॉज हिज विजन पोस्ट इंडिपेंडेंस सो दक्ष यज्ञ वॉज कंसीव्ड महाराज जी लच्छू महाराज वॉज नोन फॉर हिज लास्यम एंड जो मैंने रमा दीदी से सुना है कि एज अ रिप्लाई दैट तांडव ऑल्सो इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ कथक इट इज़ जस्ट दैट दरबारी कथक जो हुआ वो लास्य अंग ज़्यादा होने लगा एंड इन एन अदर इंटरव्यू ही ऑल्सो स्पीक्स कि साहित्य और संगीत पर प्रभाव डालने वाला काल का नृत्य ने कभी तिरस्कार नहीं किया वही नृत्य जो रीतिकालीन साहित्य का प्रतिबिंब बनकर राधा कृष्ण नृत्य के रूप में चेतना के प्रवाह को गतिमान किया आज के प्रगतिशील युग में मैं उसे तांडव में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ सो शायद माय फीलिंग इज़ दैट महाराज जी फेल्ट एट सम पॉइंट दैट वी नीड टू गो बैक टू अवर पौराणिक साहित्य एज आई वॉज रीडिंग द शिव महापुराण आई नोटिस्ड दैट इट इज़ लाइक एन महाराज जी दक्ष यज्ञ इज ऑलमोस्ट एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द स्टोरी इन द शिव महापुराण ऑल्सो तुलसीदास हैज़ एन्यूमरेटेड दिस होल एपिसोड इन हिज रामचरित मानस एंड हैज़ समहाउ ब्रॉट टुगेदर वैष्णवा एंड शैवा एलिमेंट्स एज वी ऑल नो द दक्ष यज्ञ हैज़ टेकन प्लेस नियर हरिद्वार इन कंखला एंड इट ऑल्सो हैज़ मैंशन इन द कालिदास से नाटक मेघदूतम द कालिदास काव्य सो आई विल स्टार्ट रीडिंग एंड आई विल गिव यू जो दीदी ने मुझे सिखाया किस ढंग से उसको दिखाना है प्रथम दृश्य जो है वो दक्ष भवन का है द ग्रैंडियर ऑफ दक्ष भवन इज नैरेटेड एज फॉलोज दक्ष भवन में नर नारी उत्साह भरे सब काज करे हैं
बंधन वार लिए हाथों में कोई हाथों में कलश धरे है, हवन कुंड में चंदन की लकड़ी को कोई सजा रहा है, कोई हवन की सामग्री को संपूर्ण विधि मिला रहा है। इसके बाद चारों ओर शंख शहनाई झांझ मजीरे बाज रहे हैं, ब्राह्मण शक्त वैश्य और राजे महाराजे आए रहे हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हु वर द अटेंडेंस ऑफ दिस दक्ष यज्ञ, इन्होंने इसको संजो कर एक ही लाइन में कहा है। इसके बाद हम एक पूरी परन नहीं कहेंगे, एक काव्य देखेंगे जो महारानी के 16 श्रृंगार पर आधारित है। एंड ही वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड विद नायिका भेद, एंड नायिका भेद में 16 श्रृंगार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो रायगढ़ के दरबार में भी इसका काफ़ी एन्यूमरेशन हुआ है। तो इसमें वो लिखते हैं, इतने में महारानी आई कर 16 श्रृंगार सजाए, बैंद भाल नासी का बेसर मोतिन हार ये लटकाए, करण फूल कानन की शोभा मांग भरी सिंदूर सुहाए, शिक से नख तक 16 श्रृंगार का एन्यूमरेशन है, नैनन में काजल के डोरे देख आरसी आप लजाई, शीश फूल शोभित अति सुंदर मोतिन केश कलाप सजाए, मेहंदी हाथ रचे कर चूड़ी और भुजा भुजबंद सुहाए, कमर कौंधनी पग में तोड़े बिछुओं के व सुंदर जोड़े, आकर पास पति के ठाड़ी नई जरी की साड़ी हो। यहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने ही हैज़ मेड अ कंसर्टेड एफर्ट टू शो द नारी श्रृंगार एंड देन द पुरुष श्रृंगार। शिव के श्रृंगार की तरफ वो मुड़ते हैं, और इसमें गुरुजी ने कहा था कि जैसे ही लास्य ख़त्म होता है तो तांडव को दिखाने का जो रूप होता है वो ताल का भी जो गति है, वैसे तो अनुष्टुप छंद का ही हमें वो दिखता है मीटर, लेकिन कहीं ना कहीं ताल की गति बढ़ती है। तो उसको समझाते उन्होंने लिखा है, उत श्रृंगार करत थे शंकर बैठे हिमालय की चोटी पर, शीश चंद्र धर जटा गंगधर भुजा सर्प धर भस्म अंगधर, नीलकंठ धर ग्रीव शेष धर नंदी संग धर अर्ध अंगधर, अधर श्रृंगी धर डमरू कर धर पार्वती शिव हर 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 पार्वती शिव हर 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 पार्वती शिव हर हर। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बाद में जाके इसको उमापति शिव हर हर है, मेरे पास जो लिखी हुई चीज़ है जो मेरी गुरुजी ने मुझे सिखाई है वहाँ पे पार्वती शिव हर हर है। नाउ दिस कैन बी डांस्ड एज अ कवित परन ऑल्सो फॉर विच ही एक्सटेंसिवली वर्कड ऑन, सो दिस इज डांस्ड इंडिपेंडेंटली टू शो शिव श्रृंगार। देन कम्स द एक्चुअल स्टोरी लाइन, आए सती कर जोर के बोली आज समय सुंदर है आया, नाथ चलो ग्रह पिता के मेरे हवन कुंड है वहाँ सजाए। सती एंड शिवा वर नॉट इन्वाइटेड टू द दक्ष यज्ञ विच वॉज अंडरटेकन बाई हर फादर दक्ष प्रजापति। इन कंखला यू कैन स्टिल सी द हवन कुंड वेयर द दक्ष यज्ञ टुक प्लेस, एंड इट इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, वन शुड ऑलवेज आई वुड आस्क यू टू गो एंड सी, देर इज अ सर्टन एनर्जी टू दैट प्लेस इन दैट हवन कुंड एज यू एज अ गाइड शोज यू, एंड यू कैन एक्चुअली बिल्ड अप understanding what must have happened at that point of time. Vahas, the answer, the reply he says is, वो जमाई है दक्ष प्रजापति के, वहाँ सती कैसे मैं जाऊँ मुझे बुलावा नहीं है आया, यह अपमान सती है मेरा मुझे निमंत्रण नहीं पठाया। शिव यहाँ पे गृहस्थ आश्रम में है, कहीं पे भी उन्होंने अपना वो रूप नहीं दिखा रहे हैं, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है कि जब इन्विटेशन ही नहीं आया है मुझे आपके पिताजी की तरफ से तो मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। सो दिस इज़ प्रोटोकॉल, और यही हमारी खूबी है कि हमारी संस्कृति की खूबी। इसमें सती का ये कहना है क्योंकि वो लड़की है वो बेटी है वो चाहती है कि वो जाके पूछे कि आपने कैसे मेरे पति को बुलाया नहीं, जो सर्वस्व है जो त्रिलोक स्वामी है, आपने हमें अपमान करने के लिए नहीं बुलाया या दुर्लक्ष हो गया, मतलब दोनों तरफ हो सकता है। तो शी टेक्स हर हस्बैंड्स परमिशन एंड शी सेज, छूकर चरण पति के बोली यज्ञ भवन पे मैं जाती हूँ, आपको भेजा नहीं निमंत्रण कारण पूछकर मैं आती हूँ। इस समय शिव सोचते हैं मन ही मन में, शिव संकल्प की नि मन माही यह तन सती भेंट न बनाही। शिव तो सब कुछ जानते हैं,
तो वो अपने मन में संकल्प करते हैं और उन्हें ये मालूम होता है कि इसके बाद सती से भेंट होने वाली नहीं है, मेरा गृहस्थ आश्रम यही खत्म हो रहा है और मैं वैराग्य की तरफ बढ़ने वाला हूँ। इन्हीं दो पंक्तियों को हम तुलसीदास रामचरित मानस में देखते हैं। सेम वर्ड्स जो हम कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली है या हमारी गुरु जी के गुरु शिष्य परंपरा है, कहीं उन्होंने भी कहीं से सीखा है और हम उसे संप्रदाय कहें क्योंकि ये मुझे संप्रदाय में मिला है, लेकिन संप्रदाय कहीं ना कहीं शास्त्र से जुड़ता है क्योंकि शिव महापुराण में भी हम वही देखते हैं और तुलसी रामचरित मानस में भी देखते हैं। तो तुलसीदास तो शायद नहीं थे उस समय महाराज जी को समझाने के लिए, लेकिन महाराज जी ने उन्हीं को पढ़कर, उन्हीं पौराणिक साहित्य को, रामचरित मानस को पढ़कर, वाल्मीकि रामायण को पढ़कर ये चीज़ें लिखी हैं। तो कहीं पे कि वी फील दैट द मिंगलिंग ऑफ द शास्त्र एंड संप्रदाय कम टुगेदर एट दिस पॉइंट व्हेन यू रियलाइज एंड यू एनालाइज दिस लिटिल डिटेल्ड थिंग्स। दिस वाज ब्रॉट टू मी टू माय नोटिस शिव संकल्प कीनी मनमाही यह तन सती भेंट बताई बाय सुनील सुंकरा एंड ही रेड दिस एंड ही न्यू अबाउट माय दक्ष यज्ञ एंड वी केम टुगेदर। सो अगेन द इंटरमिंगलिंग बिटवीन द गुरु घराना ऑल्सो, ही लर्निंग फ्रॉम महाराज जी, आई लर्निंग फ्रॉम रमादेवी लच्छू महाराज। And what a beautiful discovery it is at that point, that moment of discovery when you feel, oh, we are getting Tulsidas and Lacchu Maharaj together. So after this, Prabhu sochat manahi akulai. Yahan unka prem dikhta hai. Diyo dut dui taha pathai. Ab unke dut thode se ajeebo gareeb hai. Before I move on to the next part, because now the procession will start. यहाँ पे बीच में शिव श्रृंगार के बाद एक अर्धनारीश्वर परन भी जुड़ता है कभी कभी, वो कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। और मैंने कोशिश की है इसको एक फुल फ्लेज्ड प्रोडक्शन बनाने की, जो मैं सोलो में भी करती हूँ। वर्धा में मैंने दो वर्कशॉप्स किए और उसमें हमने सारे जो हमारे वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स थे उनको हमने अलग अलग इसमें ग्रुप प्रोडक्शन में डाला और एक तरह से वी ट्राई टू गेट इट टू द मासेस टू मेक इट मोर, विच वॉज अगेन लच्छू महाराज एंड रमा दीदी इज ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कथक दैट वी शुड गेट इट टू द मासेस। So that's why he chose the film world at one point of time where Kathak was presented in its all its purity and no, it was very dignified in its presentation by Maharaj ji. My guru Srimati Rama Didi had told me that during when he was composing this piece, he also took the help of Dr. Shivani Pandya Dalari. Now this is so interesting that Shivani ji was at that point learning from Lacchu Maharaj. She was also doing her Sanskrit studies in the meantime and she was helping him. I think that is one of the most wonderful points of a guru-shishya relationship. But at no point have I seen Shivaniji taking credit for this and I appreciate that because eventually this is his work, this is his magnum opus. We all are there for someone, we all help, but sometimes we don't need to tom-tom about it. बिकॉज वी आर डूइंग द शागिर्दी या हम शिष्य बने हुए हैं उस समय और उनकी ही चीज़ उनका ही नाम जाएगा। बट आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर इन माई मेमोरी दैट रमा दीदी टोल्ड मी दैट शिवनी उस समय आती थी तालीम लेने और शिवनी ने डॉक्टर शिवनी पांड्या दलाल हु इज़ अ PhD इन संस्कृत एंड ऑल्सो अ वेरी गुड राइटर एंड एन एग्जामिनर, शी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस पीस बाय मे बी ट्रांसलेटिंग फ्रॉम संस्कृत टू हिंदी ब्रजभाषा एंड ब्रजभाषा टू हिंदी, शी मस्ट हैव लिव्ड इट। इसके बाद द सिचुएशन चेंजेस, नाउ वी कम टू द दक्ष पैलेस। सो वी हैव कम डाउनवर्ड ज्योग्राफिकली स्पीकिंग एंड दिस इज हर फर्स्ट रिएक्शन। सती हाँ प्रभु सोच हाँ देखत दूत भये सब काजा चकित भये देखत सब साजा। तो ये थोड़े से अजीब गरीब है जो शिव के दूत है उनको देखकर क्या रिएक्शन है वो यहाँ पे वो कह रहे हैं। सती निहारत इत उत जाई मुँह फेरत सब आँख चुराई। जो इस घर की लड़की है और जो उसको अपमान यहाँ से सहना पड़ रहा है वो इस लाइन में दिखाई देता है कि वो हर एक से मिलने जाती है लेकिन हर आदमी मुँह फेर देता है क्योंकि दे आर गेस्ट्स ऑफ द फादर एंड शी इज़ नॉट इन्वाइटेड। दधीच दधीची दिस मुनि इज द अकॉर्डिंग टू द शिव माया पुराण इज द ओनली वन हु इंसिस्ट दैट शिवा शुड बी इन्वाइटेड। एवरीबडी एल्स एडवाइसिस दक्ष प्रजापति एंड वेन ही सेज नो आई एम नॉट इन्वाइटिंग शिवा ही इज द ओनली वन हु हैज लेफ्ट कंकला एंड वॉकड आउट ऑफ द यज्ञ। सो दिस इज हिज साइन ऑफ प्रोटेस्ट।
व्याकुल तब मन तब मात पिता के छूने चरण चली अकुलाए. शी गोज एंड एज पर अवर संस्कार शी गोज फर्स्ट टू टच द फीट ऑफ हर पेरेंट्स. और पिताजी को छूते ही पिताजी बोल करते हैं, खेचत चरण पिता बोले, हे तू निर्लज्ज यहाँ क्यों आई. सुना अपमान नहीं सकुचाई, मृदुवाणी बोली समझाई. फर्स्ट शी यूजेज, आफ्टर ऑल दे आर हर पेरेंट्स, दे शुड बी हगिंग हर, दे शुड बी वार्मली ग्रीटिंग हर. सो शी इज टेकन अबैक, बट सुना अपमान नहीं सकुचाई, मृदुवाणी बोली समझाई. बड़े बड़े सब ऋषि मुनि बैठे हैं ओढ़े शाल दुशाला, तुमने उनको नहीं बुलाया, जो है इस जग का रखवाला. ये शायद हर लड़की की लाइफ में होता है. समटाइम्स योर फैमिली एंड योर हस्बैंड, दे डोंट गेट अलॉन्ग एंड यू आर समवेयर इन बिटवीन. यू डोंट नो दीज आर द पेरेंट्स हु हैव ब्रॉट यू अप एंड दिस इज द मैन हुम यू हैव फॉलन इन लव विद. एंड यू कैन सी दैट टसल, दैट टग ऑफ वॉर विद इन हर, दैट वॉर्टेक्स ऑफ इमोशंस गोइंग अराउंड. To incite more, to make her feel so humiliated, her father says, भस्म लगाए जटा बढ़ाए वह शमशान में रहने वाला, रुंड मुंड की माला संग में भूत प्रेत लपटाए कराल. This is the ultimate insult. You yourself have given your daughter to marriage to this person who has this standard of living, और वो उसी में मस्त है. बट वो राजसी नहीं है, ही इज़ नॉट राजसी नाफ. सो दिस इज, वी ऑल लिव अवर लाइफ ऑन अवर ओन टर्म्स. इट्स नॉट नेसेसरी टू वेयर अ ब्रांडेड शर्ट और टू हैव द सेम काइंड ऑफ सोफा विच. सो आई थिंक दक्ष गॉट एंटेंगल्ड इन द मटीरियल वर्ल्ड ऑफ डिज़ायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड ही फेल्ट सैड दैट हिज डॉटर इज़ लिविंग इन सच अ रूरल एरिया. बट she is very happy and contented and yet he does this insult of Shivji here. Dhare prachand tab roop vishala netra rudhir barsavat jwala, krodh vivash ho parvati ne havan kund ki aur nihara, kaise yagya karoge re, uthal puthal kar dungi sa. Here, as you say, a woman who is insulted, one should never insult or humiliate a woman. Her dignity, her respect is at stake. And it is not about herself, it is about her husband. Sahan saki apaman pati ka kood padi dhadakat angar. This is also numerative. Prithvi doli kaap utha, akash hua chaudas athiyara, teen lok thar thara uthe, dev kare sab haha kara. We see Kalika tandav, but here we are seeing a sati tandav. And this can be done later in the other jatis with different bowls. Like we had done dhagena, dhage, tita, dhagena, dhage, tita, dhagena, dhage, tita. Sati tandav dikhane ke liye humne is jati bhed ka istamal kiya tha. And it was very effective. To wo jab jati hai and she is falling into the fire, agni ko wo invoke karti hai. इसको उन्होंने दो लाइन में ही रखा है, लेकिन इसको एनुमेरेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग अपनी क्रिएटिव आपकी जो एबिलिटी होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं. देन इट टॉक्स अबाउट तीनों लोक थर देव करे सब हाहाकार. द थ्री वर्ल्ड स्टार्टेड शेकिंग, द दूत गोज एंड दे टेल द स्टोरी टू हिम एंड हियर कम्स द शिवतांडव. सुनकर अंत सती का शंकर तब प्रभु धारो रूप भयंकर. ही नोज वॉट इज गोइंग टू हैपन. जड़ चेतन पृथ्वी मोह मंडल सब कुछ करने लगे संहार. हियर द तांडव इज टिंज्ड विद लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ एगनी. इट इज नॉट जस्ट तांडव. समटाइम्स आई सी डांसर्स डांसिंग अ तांडव, दे से इट इज अ तांडव, बट देर इज समथिंग कॉल्ड आनंद तांडव एंड अ संहार तांडव. एंड वाई आर दीज नेम्स गिवन बिफोर अ तांडव? इट्स नॉट अबाउट द आंगिक, इट इज ऑल्सो अबाउट द इमोशन बिहाइंड इट. दिस इज अ हस्बैंड पेन बिकॉज हिज वाइफ इज गिवन हिज लाइफ एंड He loved his wife so much. At that point, this man is out of control. He's on a rampage. Rautra rupa tab dhar shankar ne tandav nritya karana pagha. So even in moments of anger, what do? He's the dancer. He's the ultimate dancer. He dances. This is what is enumerated in these lines. Shish chandra thar tharat thar thar ganga chali jhara 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 pavana chal sarat sar sar megh nat dad dadat shesh nag fad fadat fad dar dar zi dhasat dhasat dhasat. Rishi muni sab kaapet thar thar, Rishi muni sab kaapet thar thar, Rishi muni sab kaapet thar thar.
the world is going to end. I think we all have these qualities in us. Sometimes we feel that we should destroy, and then there are times when we want to protect our loved ones. And then there is the person who will come and balance it. And we see Vishnu coming. What a beautiful moment that here we have the Shaivite and we have the Vaishnavite. So they are very different from each other. And yet these two people, the more important people, the gods themselves are friends. So one friend is counseling the other. Why I'm trying to explain all this is that you see in this episode not just a godliness about Shiva or a godliness. These are people with human-like qualities. And it is a story which we can relate to. So Vishnu comes in and he says, Vishnu aaye bole tab bhaye har. Prabhu ko dekhat prabhu muskaye. Baah pasar mile harshaye. They are still friends. He is an angry person and the person who has come to his counseling him. And he tells him, aap to prabhu hai jag ke data. Krodh aapko nahi smata. So the fountainhead, if he gets angry, the world will be destroyed. And I think Vishnu knows it better than any one of us. He explains it, ki jab jab sajjan majat sati ne paaya, tab tak aapko hi apna. So we have this cycle of the Shiva Purana also, that she takes form of Uma, then she takes form of Parvati. She is born in different formats and they keep on meeting and again moving back and again meeting. And I think all our relationships, all our tangible bonds that we have, even today if you sit back and you think, whom did you meet? And then you have a breakup and they move on and you move on. Not just lovers, but as friends, as relatives, and you lose them physically. And when you talk about this or you analyze or you go and read our shastras, and they say ki in the next janma you will again meet them in some rupa. So I think these are gods. They don't have janma, but she has the janma and she takes. And this is the beauty of the yin and yang, the Shiva and Shakti, that they have to come together to create, to procreate. One cannot survive without the other. We also have two parts to us. One, the male part and the female part, the masculine, the feminine. And the feminine is as important. The feminism does not necessarily mean going and taking out placards and taking out a morcha all the time. It also means to do what you are expected to. You are the procreator, the mother, the nurturer. And of course, you can do what the man can do also. So, this is where Shiva quietens down and he goes back to his tapas. But before that, there is this small incident and which starts the birth of the Shakti Pithas. That wherever he went and all the, if the yoni fell, that was the Kamakhya Mandir. So the Shakti Pithas originated from there because Vishnu first with his discus breaks all the body parts. He's going like a madman. This can also be incorporated, though Lacchu Maharaj never wrote about it, because he was concentrating on that point where he felt that he was doing too much of lasya and people were criticizing him. So he wanted to show that yes, kathak does have tandav also. It from Lakhnava andaz hai, lekin andaz mein bhi hum tandav dikha sakte hai, hum gussa dikha sakte hai. I can experience all the navarasas in it. And this has just not a tandav, I think it is a compact system where you can show every rasa possible. And from this young woman, young wife, who goes on to become this, she is so angry, angry woman. And then there's so many emotions, and it could be done in a group presentation, it could be done in a systemized solo production, it could be, I have done it in a 20 minute production where I have used dialogues, where I have used male and female people who are singing, I have put in todas, parans, all of it. So it all depends on how much you want to do it. This is the first time I have, this is my first experience coming forward and speaking about this. This is a piece which is very personal to me and close to my heart. I think we dancers have to understand that we need to do justice to their writings. Just picking up a piece and just doing it anyhow is not really, it's known as a lamchad kavita. But for me it is much more than just a lamchad kavita. It is one of his best works. I had had the opportunity to ask Rohini ji about his works.
And Rohini ji, I went to Pune. She had this surgery at that point of time, heart surgery. She was unwell, but she did meet me. And she said, what I admire about my guru, Guru Lacchu Maharaj, is that his quality. He may have worked for a very little time because he was away from dance and then he came back to dance. But his work, everything has so much thought. The thought process is so important and there is so much of quality in him that you can pick that up. It's like a pearl, you know. Either you do like 10,000 things, but that little pearl that you pick up from the ocean, you take back home, you put it in the right thread and then you wear it. आई थिंक हर चीज़ को हमको उतना महत्व और उतने प्यार से बनाकर उसको पेश करना है और ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी तरफ जुड़े और हमारी कथक को एक ऐसे दृष्टिकोण से देखे कि ये वो वाला नाच नहीं है नृत्य है और शास्त्रीय है तो आई थिंक विद दीज वर्ड्स इफ़ देर आर एनी फीडबैक नेगेटिव पॉजिटिव प्लीज़ फील फ्री to talk to us, connect with us. Thank you Kaladepot for giving me this opportunity and ALAP of course. So this is the Godavari as you can see. It's placid, we all are, and yet there is a storm within. So Maharaj ji had wanted to do a lot of work which unfortunately has been unfinished also. He did Ritya Parivartan. He did Ardhanari Nateshwar. He did Gandhi Ki Amar Kahani, which again one day I will speak about. This was his statement Guruji choreographed on me. He did Indar Sabha and he did Chandravali. He wrote poems on Zakir Hussain, the first Muslim president. And it is interesting to note that when he talks about environment and he relates it to mythological stories, so he has even done nature ke upar, Prakriti Tandav also he has worked on. So what a diverse person, what a maverick genius. I always feel indebted to him and my naman to my guru, Srimati Ramadevi, who was my medium to understand Lacchu Maharaj. And bas isi ke saath I will end my